अरे कहना क्या चाहते हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कन्हेरे मार्केटर्स। दोस्तों आज हम जा रहे हैं कूर्ग से ऊटी, जो कि 233 किलोमीटर का सफर होता है और ये कर्नाटक तमिलनाडु के फॉरेस्ट का बीच का एरिया है। यहाँ पर आपको हर तरह के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ये बंदीपुर फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट आप सिर्फ दिन में ही पार कर पाएंगे, रात में ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। ये बंदीपुर फॉरेस्ट वही है जहां पर वीरप्पन ने अपना काफी सालों तक राज किया और यहां पर चंदन की तस्करी की थी। सारे लोगों को जो भी नक्सलाइट एरिया थे बस यही फॉरेस्ट में था और सारे लोग यहीं पर रहते थे। तो बहुत बड़ी कहानी है वीरप्पन की, जिस पर मूवी भी बन चुकी है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऊटी शहर सबसे अच्छा हिल स्टेशन है। जितना ये हनीमून के लिए भी पसंद आता है कपल्स को, उतना ये फिल्म मेकर के लिए भी पसंदीदा रहा है। यहाँ पर काफी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जैसे हॉरर मूवी राज है या रोजा है या दीवाना मूवी है, सभी की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। पुराने मूवीज या नए मूवीज सबकी शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है और काफी फेमस ये ऊटी शहर है। ऊटी शहर का टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री होता है, तो आप अगर ऊटी में अगर विजिट करते हैं तो थोड़ा सा सर्दियों के जो कपड़े हैं वो साथ में लेके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर बरसात और ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। जितने भी होटल्स आप देखेंगे तो एसी कम ही मिलेगा आपको और फैन भी कम ही मिलेगा, क्योंकि ये खासियत है साउथ इंडिया के तमिलनाडु में बसे इस ऊटी शहर की, कि काफ़ी ठंडा शहर है। सिम्स पार्क, सिम्स बॉटनिकल पार्क है, ये कुन्नूर में है और यहाँ पर आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पार्क है, यहाँ पर हर प्रकार के आपको पेड़ पौधे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। सिम्स ये नाम एक साइंटिस्ट पे पड़ा है जिन्होंने रेबीज के ऊपर दवाई निकाली थी।
पूरे सफर में मेरा साथ दिया है अमित राउत, जो मेरा दोस्त है और मेरे साथ को ट्रैवलर है, और हर कहीं अगर जाते हैं तो मेरे वीडियोस में आप मिस्टर अमित राउत को देखते होंगे। तो मिलते हैं किसी और जगह पे, धन्यवाद। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके मध्ये आहे।